हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कल्पना, नमस्ते सिर रशंग। आज मैं जो ब्लॉग्स बनाने जा रही हूँ वो टॉपिक्स है बी कीपिंग की। दोस्तों, आज से पहले मैं यही सोचती थी कि बी कीपिंग हम लोग जिस तरह से करते हैं गांव में, गांव के लोकल तरीके से, उसी को मैं सोचती थी कि मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं गलत थी। क्योंकि 16 दिसंबर 2023 असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट मैं वहाँ गई थी 5 दिन की मेरी प्रैक्टिकल फील्ड में। तो तभी मुझे मालूम हुआ दोस्तों कि एक्चुअली बी को किस तरह से रखना चाहिए और उसका जो खाना जो होता है, जो हम लोग देते हैं, वो कौन कौन सी वैरायटीज होती है, क्या होती है, कैसे करते हैं, बी कीपिंग से भी हम लोग अपना इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता था। लेकिन असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में गई जब, तो वहाँ मुझे मालूम हुआ। तो मैं भी आप लोगों से यही बोलूँगी कि ऐसे बहुत सारे गांव घर में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे किसान भाई बहन होंगे जिनको शायद मेरी तरह ही होंगे। तो मैं उन लोगों से भी बोलती हूँ कि आप लोग भी अपने क्षेत्र में KVK डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और ऑफिस और ऐसे यूनिवर्सिटी वगैरह में आप लोग भी ट्रेनिंग लीजिए। क्योंकि मुझे वो, मैंने वो देख लिया जो मुझे नहीं पता था। क्योंकि हम लोग यही जानते थे मधुमक्खी को पालने के लिए सीजनली, मतलब जो सीजन में करते हैं हम लोग, जैसे मस्टर्ड, वो माइग्रेशन वाली सिस्टम होती है। और दूसरी जैसे कि घर में लीची या आम के पेड़ों से जब उनमें फ्लावर आता है तो तभी लोग हनी कलेक्ट कर सकते हैं ना, मेरी सोच ये थी दोस्तों, लेकिन मैं गलत थी। मैंने जैसे यूनिवर्सिटी, मैंने आपको पहले बताया, तो यूनिवर्सिटी जाने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि मधुमक्खियों से मस्टर्ड, लीची या आम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे क्या बताऊँ, मतलब वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है जो उनको, उनका रस भी मधुमक्खियाँ ले जाती है और उससे भी वो रस बनाती है। तो वहाँ मैंने वीडियो क्लिपिंग की थी दोस्तों, लेकिन मैंने अभी तक डाला भी नहीं, अब डालने जा रही हूँ। क्योंकि दिसंबर का महीना एक्चुअली मशरूम के लिए बहुत बिजी रहना पड़ता है, तो इसी वजह से मैं मशरूम में थोड़ी बिजी थी। तो अभी थोड़ा सा फ्री हुई तो मैंने सोचा कि जहाँ मैं सीखी हूँ तो उस जगह को आप लोग भी देखिए और आप लोग भी जानिए कि मैंने जो गलती की शायद आप लोग भी ना करो उसको, है ना। ये सोच के मैंने आज ये ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया। और ये एक्चुअली बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों ब्लॉगिंग जो, तो इसी वजह से मैं ये सोच के रखी हूँ कि स्टार्टिंग तो मैं आज कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद और 2-3 ब्लॉग्स भी बी कीपिंग की रहेगी। और इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया मैंने। और पसंद आए तो जानते ही हो, कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर देना दोस्तों, है ना। क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में तो मुझे उतना खास पता भी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आप अपना जितना भी काम करते हो सोशल मीडिया के माध्यम से आप औरों तक भी पहुंचाओ और बहुत सारी महिलाएं अटैच होंगी आपके साथ तो अच्छा होगा। तो इसीलिए मैं भी एक कोशिश कर रही हूँ आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए, बने रहिए मेरे वीडियो में, है ना। और गुस्सा भी मत करना दोस्तों, क्योंकि बी कीपिंग, हम लोग सोचते हैं कि बी कीपिंग जो है बहुत साधारण है, बहुत साधारण ही है दोस्तों, उसमें कुछ कोई मेहनत करने वाली बात नहीं होती है ज़्यादा। और जो हम लोग, जिसको हम लोग रखते हैं, जैसे कि हम लोग अपना लोकल भाषा में उसे हम लोग, मतलब जो मिलते हैं हम लोग का, जो छोटे वाली जो मधुमक्खियाँ होते हैं उसको, एक्चुअली हम लोग छोटे मधुमक्खियाँ को तो मधुमक्खियाँ बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिकली वो होता है कि एपिसरीना इंडिका। उसमें हम लोग जहाँ गए थे यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी वैरायटीज़ बताए थे, जैसे मेलिफेरिया और फिर स्टिंगलेस बी, अलग अलग तरीका का दिखाया हुआ था, सिखाया भी था। लेकिन बेनिफिट हम लोगों को यही होता है कि जो हम लोग गांव घर में अपना जो रखते हैं लोकल वैरायटीज़, एपिसरीना इंडिका, वो जो बेस्ट होता है। और लेकिन मैं आज तक यही करते आई थी, आज करीबन 15 साल से सालाना एक ही बार मैं उनको हनी को निकालती थी, एक्सट्रैक्ट करती थी मैं। मुझे नहीं पता था कि वो मंथली भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो,
इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि उनका जो खाना अगर टाइमली नहीं मिलेगा तो वो आपको प्रोडक्शन देगा कैसे, है ना। लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी में जाकर के जब देखा, स्टडी किया, तब मुझे महसूस हुआ कि हम लोग इस तरीके से बी कीपिंग करके हनी के ऊपर हम लोग अपना इनकम दुगना कर सकते हैं। और आगे बने रहिए, दिखाती हूँ, है ना। बाकी तो खाने वाला जो खाने का जो प्रोसेस है वो कौन कौन सी है इसके बारे में ज़्यादातर बताऊँगी, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है कि वो कौन कौन से फ्लावर से लेते हैं। लेकिन इसमें वेराइटीज़ है, जैसे कि आपको एक मादर्स फ्लावर होता है वो वाइट कलर का होता है, और उसका पेड़ जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बस बुशेस टाइप का होता है दोस्तों, वो वाइट कलर का ही होता है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ वहाँ से अपना खाना ले जाती है। और दूसरी और एक है गूजी तिल, हम लोग गूजी तिल बोलते हैं उसको, नाजीरा या कम समथिंग कुछ बोलते थे, मैं भूल भी गई हूँ वर्ड्स, तो वो है एक। और एक होता है स्थल पद्म फ्लावर है वो। और सबसे मेडिसिनल यूज़ अगर हनी निकालना चाहते हो तो वो है, हम लोग जो मसाला खाते हैं उसमें जो काला जीरा होता है, वो काला जीरा को भी अगर आप प्लॉटिंग करके वो शीट्स को मतलब लगाओगे आप अपने गार्डन में, किचन गार्डन बोलो या अपना जो ज़मीन पे, तो जहाँ आप साग सब्जी उगाते हो या बी कीपिंग के बॉक्स जहाँ रखे हो, तो उस वो काला जीरा का जो रस, फ्लावर से जो रस कलेक्ट करके हनी जो बी जो हनी बनाता है, उस हनी का रेट भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, ले रहे वट 4000 पर किलो। सर ने वहाँ पे मुझे बताया था इस बारे में हम लोगों को। तो ये चीज़, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को यूनिवर्सिटी हो या डिपार्टमेंट के थ्रू से कोई भी ट्रेनिंग वगैरह के लिए जाना चाहिए और सीखना चाहिए और अपना इनकम दुगुना करना चाहिए। तो मैंने भी बी कीपिंग को इसलिए इनकम के सोर्स पे अभी स्टार्ट कर किया मैंने, क्योंकि इससे पहले कि जो मेरे बॉक्सेस थे, आप लोगों ने मेरे वीडियो में देखा भी होगा कि बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की है ना, तो वो क्या होता है कि उसको भरने में बी को पूरा साल भर लग जाता है। तो इसी वजह से मैंने इस बार छोटी छोटी बॉक्स बनाई है, मैंने वहाँ से पूरा स्केल से नाप जोख करके वो मेज़रमेंट लेके आया था, तो उसके हिसाब से मैं बना भी रही हूँ। और दूसरी बात, किसी को चाहिए वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे से, और वहाँ से हमें बुकलेट्स भी दिया था, तो बुकलेट्स के माध्यम से भी मैं उसको उसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और बन भी चुकी है मेरी, करीबन 10 पीसेस ऑलरेडी बन चुकी है। मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी भी आपको, बस मैं अभी बता ही रही हूँ आपको। तो इसी तरह से आप लोग भी मेरे साथ बी कीपिंग को अपना इनकम सोर्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं जिस तरह से कोशिश कर रही हूँ तो आप लोग भी करना, तो नेक्स्ट ईयर या आफ्टर 6 मंथ आप लोग भी उस पर इनकम कर पाओगे। और इसी के साथ चलिए ब्लॉग्स देखते हैं, है ना, कि मैंने किस तरह से हनी की जो चैम्बर है उसको मैंने निकाला था, और मेरे सारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे उन लोगों ने भी कैसे प्रैक्टिकल किया, दिखाती हूँ मैं आपको। आइए दोस्तों चलते हैं असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट, और ये एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ हमें बी कीपिंग की ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये देखिए मैं और आर्शिया थी, महिला में हम लोग दो ही थे और बाकी सब पुरुष थे। और ये है डोर के अंदर जाने वाली डोर रूम, जो जहाँ से हम लोग जाएंगे, तो वहाँ पे ये डेकोरेट किया हुआ था। ये डेकोरेट ऐसे डेकोरेशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ इंसेक्ट के बारे में ही है, सब कुछ डेकोरेट करके रखा था, दर्शाने की कोशिश की कि किस तरह के कितने प्रकार के इंसेक्ट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनकी कलर्स कैसी होती है ना, उनकी लाइफ शैल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे इतना आता भी नहीं था, तो इसी वजह से थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये देखो आरसिया आगे आगे जा रही है, मैंने आरसिया को बुलाया, हाई किया तो वो वहीं पर रुक गई। देखो हम दोनों ही थे, और यहाँ से हमारी रूम की ओर जाने की ये रास्ता है। यहाँ पे रास्ते पे भी मतलब बटरफ्लाई और बाकी जो है ना इंसेक्ट की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है,
वो किस तरह से बना मतलब होता है वो दिखाया है। फिर वास्प है ना, इंसेक्ट है वो भी, उसको भी अच्छी तरह से दर्शाया हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारे के सारे इंसेक्ट ही है दोस्तों, है ना। ये देखो, हाँ ये सारे के सारे इंसेक्ट के बारे में ही बताया गया है यहाँ पे, किस तरह से ट्रैप करते हैं या किस तरह से उसको, उससे हम लोग किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, रख सकते हैं अपनी खेती को, उसके बारे में बताया है। और ये सारे के सारे इंसेक्ट हैं उनको ही दर्शाया है। ये स्नेल है, स्नेल बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उन्होंने सबको वहाँ पे दर्शा के रखा हुआ था और उन्हें ओपनली दिखाया भी है स्टोन पे बिठा करके। ये देखो, ये देखो, ये भी है स्नेल। ये देखो, ये प्लांट्स है। और यहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल स्टार्ट। बी बॉक्स तो खोल दिया सर ने और उस पर एक टॉवेल डाल करके उन्होंने दिखाया मतलब हमको इस तरह से हम लोग छत्ते को काट करके निकालना चाहिए, बता रहे हैं वो किस तरह से हमें पकड़ना है। वो देखो, ये सब छोटी छोटी बातें जो हमें पता भी, मुझे पता भी नहीं थी दोस्तों, मैंने यहाँ पे जाके ही सीखा है कि छत्ते को निकालते वक्त किस तरह से पकड़ना है। ये देखो सर, पुरानी वाली छत्ते को निकाल करके बता रहे हैं मतलब कि इसमें इस तरह से रस भरा जाता है। ये देखो, दिखा करके बता रहे हैं। वो देखो, बता रहे हैं कि लाइनिंग करके रहता है और इसको सील रहता है ये जो हनी भरने के बाद, तो उसे इस तरह से हम लोग चक्कू से उसको अनसील करना पड़ता है, हमें ऊपर ऊपर के पोर्शन को खरोच खरोच के निकालना पड़ता है और फिर हम लोग मशीन में डाल करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। नहीं देखो, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, करीबन हम लोग 25-30 लोग थे और उसको साफ सुथरा भी किस तरह से करना पड़ता है वो भी बता रहे हैं। देखो, चक्कू से उसको खरोच खरोच के निकाल देना चाहिए, वो साफ रहता है। छोटी छोटी इंसेक्ट जैसे कि चींटी, कॉकरोच और लिजर्ड, ये सब ना घुसे, हमें सप्ते में साफ करते रहना पड़ता है, वो बता रहे थे। और वो जो फ्रेम है छत्ता, छत्ता की जो फ्रेम है उसको वो साफ करके दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस तरह से इसको साफ कर देना चाहिए, नहीं तो मधुमक्खियों को तकलीफ होती है। और वो अपना हनी वाली चैम्बर को क्या करते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, बता रहे हैं। देखो, साफ करके, साफ कर दिया सर ने। देखो मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि छत्ता, नया छत्ता जिसे आप बिठाओगे तो उसको किस तरह से हम लोग बांध करके उसको बीच में डाल करके इस तरह से फ्रेम को बिठाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि रस जल्दी भर देगा, हनी बीजो हनी जल्दी भर देगा और हमें जल्दी से मिल जाएगी। वो देखो, रस्सी से बांध करके दिखा रहे हैं ये। ये देखो, इस तरह से बांध करके ये देखो,
ये जो रस्सी जो है ना, ये केले के पेड़ से बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि उससे उसको नुकसान नहीं पहुंचता है छत्ते को। बता रहे हैं देखो, बस एक ही बांध देना है और फिर उसको बाहर निकाल के बांध करके बांध देना है, तो वो टूटेगा नहीं। देखो बता दिया सर ने, इससे सुविधा होती है मधुमक्खियों के लिए, वो जल्दी जल्दी रस भरना चालू कर देते अपना काम, है ना। वो देखो नीचे बॉक्स है, ये वाली चेंबर जो रानी वाली चेंबर है उसके ऊपर ये नेट रहता है। वो देखो किस तरह से नेट को बिठाया जाता है, ऐसे नहीं कि धड़ाक से बिठा दिया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर बी रहती है, तो बी को सेफ्टी करते हुए वो नेट को बिठाना पड़ता है। और वो देखो खूब ही कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि बी जो नीचे साइड हो जाएगी। ये वाला है हनी चेंबर, उसको बिठाएंगे। देखो प्रोसेस दिखा दिया सर ने, वो देखो हनी को किस तरह से, बी को किस तरह से फूंक करके उड़ा दे रहे हैं, मतलब वो थोड़ी देर के लिए उड़ जाएगी, तो वो बॉक्स बिठाने में सुविधा होगी उनको। वो देखो अगले जो फिर से एक प्लेट बैठने वाली है, वो ढक्कन है जिससे वहाँ से एयर पास होगी, और ये है फिनिशिंग ऊपर वाली कवर। ये देखो दोनों साइड छेद है, मतलब यहाँ से हवा जो क्या है कि पास हो जाएगी। बॉक्स इसी तरह से बनाना चाहिए, और ये छोटी छोटी बातें मुझे मालूम ही नहीं थी दोस्तों, और मैं वहाँ जाकर ही मुझे मालूम हुआ। अब देखो ये रस्सी से उन्होंने बांध दिया, ताकि जैसे कि बारिश के मौसम में अगर हवा भी आए तो ये बॉक्स नहीं गिरेगा, है ना। उन्होंने उसको फ्रेम के साथ टाइट करके बांध दिया। ये देखो ये थी एपिसरीना इंडिका, उसके बारे में बता रहे हैं सर ने। ये सर ने बता तो दिया, अब देखो फिर आगे शायद हम लोगों को प्रैक्टिकल करने देंगे। देखो ये वाली जो है, ये नए प्रोसेस की आई हुई उनके पास, मतलब प्लास्टिक की है। उनका उन्होंने बताया कि ये दो या तीन दिन ही हुआ था उन्होंने लगा कर रखा था, तो वो बता रहे हैं मतलब इस पर अगर हनी भर जाएगा तो उसे वो किस तरह से निकालेंगे। वो देखो एक मशीन है छोटी सी, एक रूलर है, उससे वो क्या करेंगे, वो हनी वाली जो चैम्बर है उसको अनसील कर देंगे, और अनसील करने के बाद उसको मशीन में डालकर एक्सट्रैक्ट करते हैं, बता रहे हैं। देखो ये पहली बार आई है यहाँ पे जोरहाट में, तो वो बता रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हुआ, इस तरह से बता रहे हैं। वो रूलर है और वह छत्ता है, ये नई टेक्निक से, अभी पता नहीं कितना दूर वो सक्सेस होगी कि नहीं होगी, ये तो अभी तक हमें मालूम भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल ले रही थी तभी दो तीन दिन हुआ है ऐसे बता रहे थे सर ने, जब करीबन लग जाएगा महीने भर शायद। ये देखो उन्होंने रानी वाली चैम्बर को खोल करके दिखाया हम लोगों को, वहाँ से एक छत्ता निकालेंगे। देखो मेरी उंगली आ गई थी शायद इसी वजह से थोड़ा सा ढक गया। वो देखो ये रानी गेट है यहाँ पे, ये क्वीन गेट, इसको क्वीन गेट भी बोलते हैं, और यहाँ से क्वीन नहीं निकल पाती है, सिर्फ वर्कर से निकलते हैं। ये देखो, तो मैंने उसको इसीलिए शूट करके रखा, क्योंकि ये सब के बारे में पता नहीं था मुझे, और मैंने इसीलिए इसको शूट करके रखा, क्योंकि फिर बाद में भी मुझे मतलब ज़रूरत पड़ेगी इसकी नॉलेज की, इसी वजह से।
ये देखो उन्होंने हमें एक पुराना छत्ता तोड़ करके फिर उसको बाइंडिंग करके और किस तरह से करना चाहिए वो दिखा रहे हैं। ये वीडियो में तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बार बार एक ही चीज़ को दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत सारे स्टूडेंट होने की वजह से एक ही प्रैक्टिकल को दो तीन बार करना पड़ता है क्योंकि एक ही बॉक्स के अंदर सब लोग नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से उन्होंने दो तीन बॉक्स खोल करके इस तरह से दिखाया था। डर तो मुझे भी लग रहा था कि कहीं मधुमक्खियां ना काट ले, और मुझे पहले ही दिन पे काट लिया था। ये देखो छत्ता जो डबल हो गया था, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, तो उन्होंने दिखा दिया कि इस तरह से उसको काट करके उसको सिंगल कर देना है। और उस छत्ते को फिर देखो दूसरी जगह किस तरह से लगाएंगे, देखना आप। देखो उन्होंने एक खाली फ्रेम लिया और उस छत्ते को पकड़ा, और वो स्टूडेंट जो है ना हाँ, अब उनको बांध करके वो दिखाएंगे। देखो ये केले का पेड़ का रस्सी है, उससे नुकसान नहीं होता छत्ते को। पाँव से दबा करके उन्होंने छत्ते को बांधा था। मैं अच्छी तरह से वीडियो नहीं कर पाई थी। देखो उसको देखो क्रॉस करके गांठ लगा दी उन्होंने। ये देखो है ना, देखो जो बाहर निकली हुई थी उस रस्सी को उन्होंने काट दिया। ये देखो ऊपर की ओर उन्होंने अब दिखा दिया सबको कि ये बंद बंद गया है। अब इसे डालोगे तो फिर वर्कर्स जो है जल्दी से क्या करेंगे, उसमें रस भर देंगे। वो देखो डाल दिया उन्होंने है ना। ये सारी की सारी बॉक्स जितने भी दिखा रहे हैं ये एबिसिनिया इंडिका है, जो हम लोग असामिस में घोरुआ मो बोलते हैं, मतलब लोकल बी एपिसिडिना इंडिका। मैंने उनको किसके साइड कर दिया था। ये देखो मिस भी आई तैयार होके। उन्होंने बिठा दिया। देखो बॉक्सेस के बारे में बता रहे हैं, मतलब कि नीचे वाले जो पोर्शन है कहीं जॉइंट नहीं होते दोस्तों, लेकिन क्या है कि उसको वीकली एक बार चेक करना पड़ता है और उसके उसको साफ सुथरा करना पड़ता है। देखो सारी की सारी बी को उन्होंने बॉक्स के ऊपर झाड़ दिया और वो प्लेट को वो साफ करेंगे। अभी बता रहे हैं वो, देखो किस तरह से साफ करना चाहिए। देखो ये देखो इस तरह से इसे साफ कर देना चाहिए, इसे गंदगी ना रहे। ये देखो है ना, चारों ओर से उसको साफ करना पड़ता है। और चक्कू से जो कहीं कहीं अगर वो कुछ रहता है गंदा, उसे साफ कर देना है। देखो वो बता रहे हैं कि इस तरीके से अगर मार दोगे तो वो जल्दी से साफ हो जाएगा। देखो फ्रेश दोनों तरफ से बिठा सकते हो, एक साइड अगर गंदगी हो जाए तो दूसरी साइड बिठा सकते हो। उन्होंने ये बताया दोनों साइड साफ करके।
ये देखो बिठा दिया उन्होंने। वर्टिकल पोजीशन में है वो। मैंने भी पूछा था उनको इस बारे में, तभी उन्होंने बताया था कि ये वर्टिकल पोजीशन में होने से ये अच्छा होता है। देखो बैक साइड टोटली पिकअप होगी। क्योंकि बहुत सारी मधुमक्खियाँ ऊपर ही है, इसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा फू वगैरह करके फिर उसको बिठाया प्लेन से। जिससे कि उनको हानि ना पहुंचे, है ना, चोट ना पहुंचे। देखो देखो कवर कर दिया ऊपर से, है ना। देखो फिर से इनको भी रस्सी से बांध दिया। और उसमें ये कैप पहनाते हैं, इसे झापी कहते हैं असम में, तो इसको पहना के रखते हैं ताकि बारिश के सीजन में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बॉक्स ना भीगे और गर्मी में ज़्यादा गर्मी ना हो, मधुमक्खियों को तकलीफ ना हो, इसी वजह से ये झापी पहनाई जाती है और उसे भी बांध दिया जाता है, जिससे कि हवा बारिश आने से ना हिले ना गिरे। अब ये देखो, ये मिस बता रही है कि हम लोग सिर्फ मधुमक्खियों से सिर्फ हनी ही नहीं, उससे बहुत कुछ कलेक्ट कर सकते हम लोग। जैसे ये है वेनम कलेक्ट की प्रोसेसिंग। देखो मिस बता रही है ये वेनम कैसे कलेक्ट करते हैं। और ये देखो फोटो क्लिप डाली थी, प्रैक्टिकल थी हमारी। ये एक्सट्रैक्ट है, मशीन है ये स्टिंगलेस बी की बॉक्स है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ दोस्तों।